कर सकते मैं क्यों किसी लायक नहीं रहते मुझे भाभी कोई दूसरा का था मुझे बचाओ मुझे ये बताइए जिस पैसा के कारण आप यहाँ से गए थे आपके पास में पैसा है कि नहीं भाभी केवल जी रात महोबा से लेकर के आए कि नहीं नहीं देवर जी लेकिन मेरे तेरी बात सुनिए देवर जी देवर जी मैं पैसा लेने के लिए रात महोबा ही जा रहे थे अचानक आज ही रास्ते में मामा जी और मुझसे मुलाकात हो गई मामा जी ने कहा क्या मामा जी से मुलाकात हो गया तुझको हाँ देवर जी मामा जी ने कहा रुकित तुम कहाँ जा रही हो तो मैंने कहा मामा जी आपने जो कहा था कि मेरी बहन मारा है जितना खर्च होगा और मैं काशी घाट में दूंगी लेकिन आप कहाँ रह गए थे तो मामा जी ने कहा कि खैर कोई बात नहीं मैं तो पैसा लाने के लिए रात मिल गई थी मैंने तुम घबरा गए मैंने बाबा जी को बात को यकीन विश्वास कर लिया और कहा कि ठीक है पुत्र मैं पैसा लेकर आई हूँ तुम आगे चलो मैं पीछे से आ रही हूँ देवर जी इसी दो पांच मिनट के अंदर में मेरे साथ में छल किया मामा जी क्या हुआ आपके साथ
सासू बोली एक माँ होकर के बेटे के बारे में सासू बोली निकालती है। कुछ नहीं हुआ मेरा बेटा को, क्या हुआ है मेरा बेटा इधर को उम्र 7 साल। क्या बात है, क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं विश्वास नहीं कर सकता, इसी से मैं फौरन दिखा मेरे बेटे इधर को। लेकिन भाभी